हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं न्यू पेंटिंग बनाने वाला हूँ, छोटे से कैनवस पे, जिसका साइज़ है 8x10 और इसकी प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ 54। ये अलग अलग ब्रांड के हिसाब से लाइक 45 to 50, 60 तक आता है, ठीक है। तो इसका प्राइस है 54 और यहाँ पे मैं फ्लेमिंगो की पेंटिंग बनाऊंगा एक्रेलिक पेंट से, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बनाया था बुद्धा की पेंटिंग, कुछ वैसा ही पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्यूटोरियल वीडियो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कौन कौन सा कलर यूज़ करना है और मैं आपको टेक्निक भी बताऊंगा, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लैप्स में हो, बिकॉज ऐसे में वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और आपको बोर लगेगा, तो वीडियो हम टाइम लैप्स में शूट करेंगे और मैं आपको बीच बीच में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूंगा। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो और ऑफलाइन भी, अगर आपके सिटी में शॉप है आर्ट वाला तो वहाँ पे भी ये आराम से मिल जाएगा। और कुछ टाइम बाद मे बी नेक्स्ट मंथ मैं इसमें रेजिन का लेयर करूँगा कैनवस के ऊपर, तो मैं इसका भी ट्यूटोरियल फिर से दे दूँगा। वैसे तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। और बाकी मैं ये पेंटिंग होने के बाद इसमें रेजिन कैसे अप्लाई करना है वो भी दिखाऊँगा, और जितने भी मैंने पेंटिंग बनाए हैं वो सारे सेल के लिए, अगर आपको लेना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी जो भी पोर्ट्रेट अगर होते हैं वो तो ऑर्डर वाले ही होते हैं, ठीक है। चलो तो इसमें आउटलाइन बनाते हैं पहले। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आउटलाइन फिनिश हो गया है, बन गया, ठीक है। ये मैंने रेफरेंस इंटरनेट से लिया है और सबसे पहले मैं इस बैकग्राउंड पे कलर करूँगा ये वाला, यानी कि मैं ब्लू के टोन में कुछ देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड फिनिश करते हैं, फिर हम इस बर्ड के ऊपर पेंट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला लेयर हम वाइट कलर से करेंगे, वाइट कलर पूरा सूख जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे वाइट और स्काई ब्लू को मिक्स करके उसका एक और लाइट टोन बनाएंगे, जो मैंने यहाँ पे कलर किया है ये वही कलर है। एंड देन हम डार्क ब्लू यहाँ पे अप्लाई करेंगे, टैप करते जाएंगे, और उसके साथ ही साथ हम स्काई ब्लू कलर जो है बिना मिक्स किया हुआ वो वाला भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसके ऊपर हम वाइट कलर से इस तरीके से हम इफेक्ट डाल सकते हैं, तो हमारा बैकग्राउंड बन के रेड, ठीक है। आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से कितना ब्राइटनेस रखना है, कितना डार्क रखना है, इट्स ऑल अप टू यू, आप जितना चाहे रख सकते हो। मुझे ये परफेक्ट लगा तो मैंने यहाँ पे ही इसको डन कर दिया। मैं आपको एक बार पास से भी दिखा देता हूँ, वैसे पास से पेंटिंग का लुक उतने अच्छे से नहीं समझ में आता, इसलिए आप हमेशा दूर से ही डिस्टेंस रख के देखो तो आपको अच्छा लगेगा। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक भी ऐड कर सकते हो, अगर मुझे लगा कि मुझे ब्लैक ऐड करना है तो मैं बाद में ऐड कर दूंगा, ठीक है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, आपको जैसा भी पेंट करना है। बैकग्राउंड हमारा बन के तैयार हो गया, अब हम करेंगे इस बर्ड के ऊपर पेंटिंग। जैसा हमने प्रोसेस बैकग्राउंड में किया था लेयर पे काम, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो सबसे पहले व्हाइट कलर करना है अच्छे से चारों तरफ और उसको ड्राई कर लेना है, ठीक है। ड्राई होने के बाद हम यहाँ पे पिंक कलर, जो कि थोड़ा सा डार्क टोन में आता है एक्रेलिक पेंट में, पिंक और व्हाइट को मिक्स करके हमको तीन टोन रेडी करना है, एक बहुत ही ज़्यादा लाइट पिंक एंड देन थोड़ा सा मीडियम और उसी का डार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीडियम वाला पहले अप्लाई करेंगे, डार्क और लाइट को बाद में करेंगे, क्योंकि एक्रेलिक पेंट में अगर आप लेयर पे वर्क करें तो सबसे पहले आप मीडियम टोन चलाओ, उसके बाद वहां पे लाइट और डार्क से हम इफेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, इसके बाद मैं लाइट अप्लाई करूंगा। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि जो हमने बेस कलर किया है मीडियम टोन वाला, ठीक है, वो पूरे बर्ड के ऊपर करना है, उसके बाद हम फेदर का लुक लाने के लिए डार्क और लाइट पिंक का यूज करेंगे, ठीक है। मीडियम टोन से हम ऐसा कोई भी वो अप्लाई नहीं करेंगे फेदर के लिए, जो भी होगा डार्क और लाइट पिंक के कलर से ही होगा। हमारी पेंटिंग खत्म हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बनी हुई है और ये फेदर के स्ट्रोक्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आई है और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे और डार्क कुछ करने की जरूरत है ब्लैक कलर से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे बनाने का टेक्निक आपको समझ में आया होगा, आप ट्राई करना। और अगर आप ये पेंटिंग मुझसे परचेज करना चाहते हो, आप डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक रेजिन का लेयर करूंगा, उसके बाद ही मैं इसको सेल करूंगा, और अगर आप लेना चाहेंगे तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।